हदीस नंबर 21, नफा बख्शी, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। हमारा दिमाग उल्टा है, किससे कैसा फ़ायदा उठाना, हाँ उसकी जेब का मेरी जेब में कैसा आ जाए, ये नहीं। हम लोग यानी नफा बख्शी का मिजाज बनाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरियत को नफा बख्शी में रखा है। आपने क्या फरमाया, खैरुन्नास अनफअहुम लिन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो लोगों के लिए क्या हो, नफा बख्श हों। हर आदमी अगर ये सोचने लगे कि मैं दूसरों को फ़ायदा कैसे पहुंचाऊं, वो सोसाइटी कितनी ज़बरदस्त होगी आप सोचिए। और हर आदमी ये सोचे मैं दूसरों को मुसीबत में डाल के किसी तरह बेवकूफ़ बना के अपना फ़ायदा कैसा करूं, वो सोसाइटी कितनी भयानक होगी आप सोचिए। अगर मिजाज हमारा ये बन जाए नफा बख्शी, मैं फ़ायदा किसी तरह से लोगों को पहुँचाऊँ, घर वालों को भी और पड़ोस के लोगों को, मस्जिद में आता हूँ वहाँ पर आप बैठे हैं, कोई आदमी आपके बाजू बैठा है, आप उसको कोई बात बता दिए, एक हदीस सुनोगे, सुना दिया आपने हदीस उसको, या कोई आदमी परेशान हाल है उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, बताऊँ रास्ता, देखिए मैं आता हूँ छोड़ने के लिए, आइए, छोड़ के आ गया उसको, या फुला साहब यहाँ रहते हैं। तो इस तरह से आदमी अपनी ज़िंदगी में हर दिन में कुछ काम ऐसे करें कि जिसमें कोई गर्ज ना हो। हम लोग जब फ़ायदा पहुँचाते भी हैं तो हम लोग हाँ कैसे होते हैं फ़ायदा पहुँचाने में, बनिए की तरह करते हैं, थोड़ा देना है ज़्यादा लेना है, बल्कि हम अपने बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को ज़कात देते हैं जिनसे कल काम आने वाला है। हाँ बहुत डाकू है आदमी, कैसा करता है, ज़कात देता है जो उसके पास काम करता है उसको, ताकि और काम ले। हाँ ये अक्लमंदी है, ये बेवकूफ़ी है, अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता है। इंसान के देने में गर्ज ना हो, देना अल्लाह के लिए हो। लिहाजा लोगों को नफ़ा पहुंचाए लेकिन उनसे कोई तमा ना रखे, इसलिए कि जब उम्मीद होती है तो शिकायत भी पैदा होती है। बाज़ वक़्त आप किसी के साथ भला करते हैं और फिर वो आपके काम नहीं आता, फिर आप क्या बोलते हैं, कितना किया उसके लिए कुछ काम का नहीं, मेरे टाइम पर काम नहीं आया। अच्छा आप इसके लिए किए थे क्या, तो बिजनेस किया आप उसे क्या किए थे, बनिए की तरह किए, ताकि आज मैं कर रहा हूँ तू मेरे काम आ। आपने अल्लाह के लिए किया होता तो शिकायत पैदा नहीं होती, अल्लाह के लिए करना चाहिए। खैरुन्नास अनफअहुम लिन्नास, लोगों में बेहतर। आज हाल ये हो चुका है हमारे समाज का, एक आदमी अगर एक्सीडेंट होकर ज़मीन पर पड़ा हुआ हो रास्ते के ऊपर, तो कोई आदमी उसके लिए ना एम्बुलेंस बुलाता है, ना पुलिस को खबर करता है, ना खुद उठा के उसको दवाखाने तक ले जाता है, बल्कि वो आदमी वहाँ खड़ा होके उसका वीडियो निकाल के यूट्यूब पे डालता है, फेसबुक पे डालता है, इतना गिर चुका है आदमी। बेंगलोर ही में कितने लोगों का जो है नौजवान का, मैं हम लोगों ने अखबार में पढ़ा था, मुसलमान नौजवान है, उसको कोई लेके नहीं गया, वो इसी रास्ते के ऊपर पड़ा रहा और उसकी मौत हो गई, उसका भाई रोता रहा और कोई इसको ले जाने वाला नहीं रहा। तो आप सोचिए ये समाज हमारा है, हम नफा बख्शी हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही, चाहे मुसलमान हो दूसरे कोई भी हो, हम दूसरों के काम आने वाले बने। इसमें जो खुशी है वो खुदगर्जी में नहीं है, इसमें जो खुशी है वो किसी और चीज़ में। एहसान करने वाला हमेशा खुश रहता है अगर उसके एहसान में इखलास हो, अगर एहसान गर्ज की बुनियाद पर हो तो शिकायतें पैदा होती, फिर टेंशन आता, मैं सबका करता, हाँ हाथ बताता तो क्या बोलता उसको, जो हाथ देखता उसका ज्योतिषी क्या बोलता है, तुम सबका अच्छा करते, तुम्हारा कोई अच्छा नहीं करता, हाँ ना बाबा, उसके दिमाग में यही है कि मैं अच्छा करता हूँ मेरा कोई अच्छा नहीं करता, शिकायतें हमेशा गमगीन रहता है। मैं अच्छा करूँगा अल्लाह के लिए, कोई मेरे काम आए या ना आए, मैं लोगों के काम आऊँगा अल्लाह मेरे काम आएगा, ये मिजाज अगर हमारा हो तो बहुत बड़ी बात है।